हाय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, कैसे की स्टडी चल रही है आपकी? इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो नेफ्रॉन्स होती है उसमें यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, वो तीन स्टेप में हुई थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन और सिक्रेशन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। किडनी की बात कर ली, किडनी मैन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है नाइट्रोजन वेस्ट के लिए। इसके अलावा भी कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्किन, जो अपनी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी उत्सर्जन काम करती है। तो वो किस चीज का उत्सर्जन करती है? जैसे वाटर का, यूरिया, साल्ट्स, इनका एक्सक्रिप्शन स्किन करती है। साथ में जो यूरिया यूरिया का एक्सक्रीशन जल के साथ, कुछ साल्ट का और कुछ ग्लैंड पाई जाती है जैसे श्वेत ग्रंथियां, ये सिक्रेशन करती हैं पसीने का। और पसीने में क्या क्या होते हैं? जल, यूरिया और मिनरल्स, ये सब्सटेंस मिलके पसीना बनाते हैं। तो ये पसीना का टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा तीखा होता है। क्या टेस्ट किया आपने? नहीं किया ना, किया होगा कभी गलती से। तो ये सिक्रेशन किसका करती हैं? श्वेत ग्रंथियां पसीने का सिक्रेशन करती हैं। नंबर टू, सिबेसियन ग्रंथियां, सिबेसियन ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियों में जो याद करने की ट्रिक है, सिंपल सी है। सिबेसियन का अर्थ होता है सब्जी, और सब्जी को हम किस में बनाते हैं? तेल में बनाते हो ना, कोई पसीने में तो नहीं बनाता है ना। तो सिबेसियन ग्रंथियां किसका स्राव करेंगी? तेल का। जो अपना मानव का अध्यावनी तंत्र आया था, पहली जो फिजियोलॉजिक यूनिट है, उसमें भी ये ग्रंथियां आई थी। आपने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में होंगे। तो वहां पर इन ग्रंथियों को वर्क में बताया, दोबारा देख ली, श्वेत ग्रंथियां पसीने का, सिबेसियन ग्रंथियां ये स्राव करती हैं तेल का, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। नंबर टू हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स किसका एक्सक्रीशन करते हैं? शायद आपको पता भी हो ना भी हो, तो लंग्स एक्सक्रीशन करते हैं CO2। CO2 का एक्सक्रीशन करेंगे ये, तो लंग्स होते हैं, इसमें जो एनवायरनमेंट के साथ एक प्रोसेस चलती रहती है, इसमें मसल्स रहती हैं वो हेल्प करती हैं, और ऑक्सीजन हम इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट गैस है, इसको हम अपनी बॉडी से एग्जिट करते हैं। नंबर थ्री याद करते हैं हम, नंबर थ्री में आ जाएगा लीवर। जो लीवर होती है अपनी, लीवर ग्लैंड है, ये अपने लिए हार्मफुल सब्सटेंस ही बनाती है और यूजफुल सब्सटेंस ही बनाती है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो तो ये हो गए हार्मफुल सब्सटेंस। और ये सिक्रेट करती है यूरिया, जो चलता है यूरिक साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट में बनता है अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में तो ये ऐसे प्रोसेस चलती है। ये सारे के सारे क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। इनका क्या होता है? अपनी बॉडी से सिक्रेशन होता है। अब आप देखिए, ये अपनी लीवर ग्लैंड है, और लीवर ग्लैंड से क्या निकल रहे थे हमने देखे थे? नाइट्रोजन वेस्ट, NH2, वो अमोनिया, NH2, CO, NH2, ये क्या है? यूरिया, और साथ में आता है यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड। तो इन काम बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, इनको ब्लड में सप्लाई करते हैं और ब्लड से ब्लड पंप कर देता है संपूर्ण बॉडी को, जिसमें किडनी को भी जाता है, रीनल आर्टरी के द्वारा वो इनको क्या कर देती है, एग्जिट करके हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट है जैसे यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, वो हेल्प करते हैं इनको एग्जिट करने में। साथ में जो ये लीवर है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है जो एग्जोक्राइन ग्लैंड के रूप में, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों मिलके जो साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, जैसे पित्त लवण, पित्त लवण, तो ये पित्त लवण के साथ में आके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको सीक्रेट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो इसमें आवश्यक है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी को हम वेस्ट के रूप में अपनी बॉडी से एग्जिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन रिलेटेड रोग, उत्सर्जन संबंधी रोग। तो यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया में होता है जो अपना यूरिन है उसमें पर 100 ml में 30 ग्राम यूरिया पाया जाए, 30 ग्राम यूरिया। तो ये तो सामान्य अवस्था में होता है, और जब ये 100 ml यूरिया में या यूरिन में 30 ग्राम जो यूरिया उससे ज्यादा मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, यूरेमिया। ओके, इसके बाद में आता है गाउट। गाउट में क्या होता है, जो अपने जो मांसपेशियों के जोड़ हैं या बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं उसमें जो अनुवांशिक डिजीज है गाउट रोग, तो उसमें जो यूरिया है वो जम जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, गाउट। ये है अनुवांशिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, इसमें जो यूरिया है वो क्या होगा, जम जाएगा। वृकक पथरी, जो वृकक होते हैं, ये देखो वृकक, जो वृकक में ये पथरी के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सीलेट के पिंड जम जाते हैं, इसमें कठोर, एकदम कठोर पिंड जम जाते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में बहुत बाधा पैदा करते हैं, दर्द उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वर्कक पथरी। ये वर्कक में पाई जाती है, यूरिनरी ब्लेडर में पाई जाती है, तो ये दो जगह पाई जाती है, मोस्टली किडनी स्टोन बोलते हैं इसे। यह होता है ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया के श्रांस होता है, वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या काम करता है, जैसे ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमैन कैप्सूल है, ये एफरेंट, ये इफरेंट आर्टरी, तो इसमें जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो केशिकाएं हैं उनमें ये अपना संक्रमण पैदा करता है, उसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, उनको और अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, जिसे प्रोटीन हुए, कीटोन बॉडीज हुए और ब्लड सेल्स हुई, वो यहाँ से फिल्ट्रेट होके पीसीटी डीसीटी में आ जाती हैं और उनको कोई एब्जॉर्ब हो नहीं सकती है, ये मटेरियल एब्जॉर्ब होते नहीं है और ये एक्सीलेट कर दिए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। इसी से रिलेटेड है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको रिलेटेड है ग्लूकोज से, तो जो अपना एक्सक्रीशन होता है उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, एक्सक्रीशन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए यानी अपने यूरिन में, तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। इसका दूसरा नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलेटस। इससे रिलेटेड एक नाम और आएगा,
डायबिटीज इंसिपिडस, ये डायबिटीज मेलेटस है, ग्लाइकोसूरिया। और एक आता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये रहा डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया होता है ना, यूरिया उसके साथ साथ ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, उसको ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। इस कारण जो यूरिया उसमें मूत्र यानी बहुमूत्रता बोलते हैं, इसमें वो जल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी बहुमूत्रता बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया में क्या होता है, जब मूत्र एक्सिट करते हैं उस टाइम दर्द होता है, मूत्र एग्जिट करने के टाइम दर्द होता है, जैसे यूरिनरी ब्लेडर हो गई, यूरेटर हो गई, यूरिथ्रा, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्यूरिया, डिस हो जाना। नेक्स्ट होती है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में क्या होगा, इसे बहुमूत्रता बोलते हैं, जो एच टू है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा मात्रा में सुस्रावित होगा, उसे बोलते हैं पोलीयूरिया। एक आगे आता है सिटीलेसिस। ये क्या है, सिटीलेसिस, ये भी जीवाणु के संपर्क कारण मूत्राशय में सूजन पैदा करता है, ये भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण जो यूरिनरी ब्लेडर है मूत्राशय है उसमें संक्रमण पैदा करता है, उसमें सूजन आ जाती है, इसे बोलते हैं सिटीलेसिस। ये क्लियर है, ये क्लियर है। पाईयूरिया, ये क्या है, पाईयूरिया। पाईयूरिया में क्या है, जो यूरिन है टॉयलेट है उसके साथ क्या है, मवाद, मवाद, तो उसे क्या बोलेंगे, पाई यूरिया। डायबिटीज इंसिपिडस मैंने बता दिया, डायबिटीज इंसिपिडस में H2O की मात्रा बढ़ जाती है, H2O जो दूरस्थ कुंडलित नली का है, DCT है, उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसे बहुमूत्रता बोलते हैं या डायबिटीज इंसिपिडस, H2O की मात्रा बढ़ जाएगी। देखो ये तीन होता है, ये बढ़ने का, ये घटने का, अपनी साइंस की स्टडी में अपने साइंस में अपन शॉर्टकट फॉर्म में यूज करते हैं, एग्जाम में नहीं लेके आना आपको, ये समझने के लिए हम रिपोर्ट। अब बात करते हैं पीलिया। पीलिया में होता है जो हिपेटाइटिस या पित्त नली का उसमें रुकावट के समय दिखाई देता है पीलिया, जिसमें जो कंप्लीट बॉडी के ऑर्गन से नाखून आई हो गई, ये क्या हो जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, इस कारण से क्या होते हैं, पीलिया। ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में होता है मूत्र की मात्रा कम, यानी यूरिन, यूरिन क्या बनता है, कम बनता है। प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया में क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो यूरिन के साथ, यानी जो अपने सूक्ष्म है उसके साथ क्या है, प्रोटीन की जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड की चैन है वो आए, उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन यूरिया, यानी प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो। इसे नेक्स्ट पार्ट में आता है कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया आता है फैट, फैट वसा, तो कीटोन बॉडीज होती हैं वो एक्सक्रीटों, उसे क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। हिमेटूरिया। हिमेटूरिया में जो ब्लड सेल्स हैं WBC RBC इनका क्या हो, एक्सक्रीशन हो, उसे क्या बोलेंगे, हिमेटूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें हीमोग्लोबिन, हीम नामक प्रोटीन होती है ना, उसका क्या हो, एक्सक्रीशन हो, उसे क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन यूरिया। अब हम दोबारा से देखो, उधर ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम ऑक्सलेट के ये पत्थर के रूप में अच्छी तरीके से कठोर संरचना बना ले, उसे क्या बोलेंगे, किडनी स्टोन, या बोलेंगे वर्कर पथरी। एक क्लियर है। अगर यूरिन की मात्रा बढ़ रही है उसे पोलीयूरिया, मवाद आ रही है उसे बोलेंगे पाईयूरिया, एक्सक्रीशन करते टाइम दर्द हो रहा है उसे बोलेंगे डिस्यूरिया, प्रोटीन की मात्रा आ रही है यूरिया के साथ में प्रोटीन यूरिया, ग्लूकोज की मात्रा हो रही है ग्लाइकोसूरिया, या उसका दूसरा नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, टॉयलेट की मात्रा बढ़ रही है उसे बोलेंगे बहुमूत्रता या डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार कह रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलेटस, इसमें डिफरेंस है, आप नोटबुक में देखें और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। साथ में हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन, आई हीमोग्लोबिन यूरिया, RBC आए उसे बोल देंगे हीमेटोयूरिया,
तो ये सभी उसी से रिलेटेड है, आप एक दो बार देखोगे आपके अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ओके हाय स्टूडेंट्स, अपना ये टॉपिक रह रहा है रुधिर अपोहन। रुधिर अपोहन में क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी की किडनी होती है ये क्या हो जाती है, डैमेज, दोनों की दोनों किडनी डैमेज हो जाएं, कोई भी डिजीज वाला कारण हो सकता है। तो इनके डैमेज होने से जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं, यूरिया बन रहा है, वो तो बॉडी के अंदर रहेगा ना। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो यूरिया जम जाएगा और वैसे अपने अच्छी तरीके से डिजीज करेगा, या हम यूरिया के शिकार हो जाएंगे, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक कृत्रिम युक्ति यूज की जाती है जिसे क्या बोलते हैं, रुधिर अपोहन। उसमें क्या करते हैं, जो ब्लड किडनी में आ रहा था वहां से ब्लड, एक ब्लड वेसल से ब्लड निकाल के उसको डालते हैं कृत्रिम वर्कल, कृत्रिम किडनी में डालते हैं। इसमें एक मैम्ब्रेन लगी होती है और इस मैम्ब्रेन के नीचे अपोहनी द्रव भरे होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सेलेट और प्रोटीन यूरिक अम्ल ये यहाँ पे भरे होते हैं। जो यूरिया आता है उसके लिए तो ये क्या होते हैं, पारगम है, और यूरिया आता है उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए तो होते हैं पारगम में, तो वो तो यूरिया साइड में निकल जाता है, और जो सबस्टेन आते हैं वो साइड में से इनके बीच बीच में से निकल जाते हैं और उनको वापसी फिल्ट्रेट होके एक जैसे वर्कक सिरार थी उसमें डाल दिया जाता है। दोबारा सुनो, रुधिर अपोहन में एक कृत्रिम युक्ति है जिसे जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है, उनसे जो यूरिया होता है उसको एग्जिट करने के लिए जो युक्ति यूज की जाती है कृत्रिम रूप से, उसे बोलते हैं रुधिर अपोहन। रुधिर अपोहन में कृत्रिम वर्कक यूज होता है, कृत्रिम वर्कक में एक लेयर्स होती है, उस लेयर्स में जो यूरिया होता है वो पास हो जाता है और जो प्रोटीन हो गए, कुछ सब्सटेंस हो गए, यूजफुल सब्सटेंस, वो फिल्टर नहीं हो पाते, वो साइड से निकल के और उसको वापसी वर्कक सिरा में पहुंचा दिया जाता है। ये सर्कुलेशन की प्रक्रिया जारी रहती है और यहाँ पर जो एग्जिट मटेरियल आता है उसे यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, यानी कृत्रिम रूप से युक्ति लगाई जाती है। इसमें रुधिर अपोहन में कृत्रिम वर्कक लगाया जाता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन में यूरिया और ये पास हो जाते हैं वो साइड में एग्जिट हो जाते हैं, जो पास नहीं होते हैं वो साइड में आके वापसी वर्कक सिरा में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है अपोहन प्रक्रिया। इसे क्या करते हैं कि जैसे किडनी डैमेज हो गई तो उसकी डेथ का खतरा हो जाता है, तो उसका जीवन काल बढ़ा दिया जाता है, ये प्रक्रिया करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कक ट्रांसप्लांट, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्कक ट्रांसप्लांट। इसी में देख लीजिए, रुधिर अपोहन में वर्कक प्रत्यारोपण, ये क्या है, वर्कक प्रत्यारोपण। ओके स्टूडेंट्स, वर्कक प्रत्यारोपण देखो नाम से स्पष्ट है, वर्कक को हटा के या उसकी जगह प्रतिस्थापित करना, वो है प्रत्यारोपण। जैसे ये किडनी डैमेज हो गई, तो ये किडनी डैमेज हो गई तो इसको ऑपरेशन के द्वारा इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह कोई दूसरी किडनी, दूसरे ह्यूमन की जो भी ह्यूमन बींग की किडनी है वो इसमें डाल देते हैं, यानी उसमें सेट कर देते हैं। अब ये किडनी सेट कर देते हैं, दो बातें याद रखनी चाहिए, जो किडनी ले रहे हैं जो दाता है उसकी किडनी वो ही लेनी चाहिए जो इसका ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप मैच कर लेना चाहिए, नहीं एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया हो जाएगी और ये जो किडनी डाली थी हमने ये क्या हो जाएगी, इसको स्वीकार नहीं करेगी। अगर बाई चांस हम डाल भी रहे हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मेडिसिन। अगर हम दूसरे व्यक्ति किडनी डाल रहे हैं उसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वरना हमको ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। जैसे ए ब्लड ग्रुप की निकाली थी तो ए ब्लड ग्रुप वाली इसमें डालनी होगी। तो ये क्या है, वर्कक प्रत्यारोपण की छोटी सी प्रक्रिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें, अपने जो रिलेटिव हैं
जो साथ में पढ़ाई करते हैं, दोस्तों या कोई रिलेटिव, उसको शेयर करें भाई, आप भी फायदा लो इसका, आप पढ़ो, आपके लिए है ये वीडियो। ओके।